अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मेरी छोटी सी लड्डू माँ बनने वाली। लेकिन पेशेंट बहुत ही ज्यादा कमजोर है, आप सभी लोगों को मिलकर उसका ध्यान रखना होगा। और खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि उन्हें किसी भी तरह का टेंशन मत दीजिए, नहीं तो बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। मैं पूरा ध्यान रखूंगा अपने लड्डो का और उसकी होने वाली संतान का भी। आओ मैं अपने बाहर छोड़ाता हूँ बैग दो। लाड़ी सर, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज हमारी लाडो रसल माँ बनने वाली है तो बाप बनने वाला है। इतने सालों के बाद इस घर में एक बच्चे की खिलखिलाहट सुनाई देगी। आज तूने जो खुशी दी है ना, वो तो मैं देख। लाड़ी सर, अब ना रसल का खूब ख्याल करना पड़ेगा। मैं उसका ध्यान रखूंगी और तू भी उसका ध्यान रखना। माता जी को माथा टेक के आती हूँ। रसाल, एक खुशखबरी है, तुम माँ बनने वाली हो। ये क्या कह रही है? ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं मानती। अरे आराम से आराम से। नहीं रसाल, ये सच है कि तुम माँ बनने वाली हो, लेकिन तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा नाजुक है। तुम्हें अब बहुत संभालना होगा और अब तुम्हें अपने अंदर पल रही एक नन्ही सी जान का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना होगा। रसाल, तुम आराम करो, मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रही हूँ, वो तुम्हें सुबह और शाम लेनी होंगी। रसाल, कंग्रेचुलेशंस, माँ बनने वाली है। मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। भाभी साहब, आप घर छोड़ के जाने की बात ना करिए ना। मैं जानती हूँ भाई साहब ने जो आपके साथ बर्ताव किया वो सही ना था, लेकिन भाभी साहब मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, घर छोड़ के ना जाइए ना। आपको पता है जब मैं छोटी थी ना तो मेरी माँ तभी गुजर गई थी, फिर पूरी भाषा ने हमें सहारा दिया था और फिर वो भी हमें छोड़ के चली गई थी। चकोरी मासा ने तो कभी अपनाया ही नहीं। बापू सा के जाने के बाद मेरे पास सिर्फ भाई सा ही रहे, और अगर उसके बाद मैं किसी से जुड़ी हूँ तो वो आप है भाभी साहब। मुझे आपकी बहुत जरूरत है। तो अभी ये सब मत सोच, बाद में बात करेंगे ना, अभी चुप हो जा। आज भी तू हमारी गृहस्थी टूटने से बचाने में लगी है। छुट्टी होके इतने बड़े एहसान कर रही है हमारे पे, कैसे उतार पाऊंगा तारा कर्ज? तू जाड़ती है लड्डू। आज तेरी ये खबर सुन के मुझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली है। मैं मामा बनने वाला हूं। एक बात तू ना कान खोल के सुन ले, बेकार की चिंताएं लेके तू छोटी रसाल को परेशान ना करेगी वरना मारे से डांट खाएगी। उन्हें अब खूब खाना है, खूब आराम करना है और खूब खुश रहना है। और मैं तेरे को अब भी बता रहा हूं इसी वक्त कि मन ने तेरे जैसी एक छोटी सी नटखट लाडो चाहिए, जिसे मैं अपनी गुड़िया बना के रखूंगा, अपने कंधे पे घुमाऊंगा, पूरे गांव में सबको दिखाऊंगा ये मेरी लाडो है। और तू देख लियो, वो सबसे पहले माना मामा बोलेगी। आज मैं अपने आप पे काबू न रख पाया जिसके कारण तेरी हालत हो गई। दोषी हूं मैं तारा, मन ने माफ कर दे। वो क्या कहते हैं उसने, सॉरी। भाई साहब, अगर आपको माफी मांगनी है ना तो भाभी साहब से मांगिए। गलती तो सबसे होती है ना। देख जो तू कह रही है ना, तो मैं माफी मांग भी लूं, पर आज
जो हरकत इन्होंने की है उसके लिए मैं इन्हें कभी माफ ना कर पाऊंगा। तू खुद बता दे इन्होंने जो किया वो सही था, अब गुस्सा कहना हम पे। गुस्से से भी तो किसी बात का हल ना निकलता ना, मेरे लिए नहीं तो ये छोटी रस्सों के लिए। ठीक है कनक जी, अपने आज के बर्ताव के लिए आपसे माफी मांगता हूं, जो हुआ वो ना होना चाहिए था, गलत हो गया हमारे से, माफ कर दो। मुझसे भी जो गलती हुई है उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। लड्डू आराम कर ले, सो जा, हम आते। समर सा, अब आपके कंधों पे सिर्फ हमारी लड्डू की ना एक नन्ही सी जान की जिम्मेदारी भी आ गई है। डॉक्टर ने कहा है लड्डू को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मेरे मां बनने की खबर सुनके भाई साहब के चेहरे पे जो खुशी थी उसके आगे मैं कुछ ना कह पाई, लेकिन ये कैसे हो सकता है? हमारे बीच तो कभी पति पत्नी वाला प्यार रहा ही नहीं, और ना ही हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। आपने ही तो कहा था मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, तो ये कैसे हो सकता है? मैं जानता हूँ जो हुआ है सब मेरी गलती से हुआ है, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम्हारा और इस बच्चे का दोनों का गुनहगार हूं। मैं कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया तुमसे अपनी उस गलती के बारे में बता सकूं। वो पार्टी वाली रात जब तुम बेहोश थी तो मैं तुम्हें उठा के घर लेके आया, तुम्हें काफी चोट भी आई थी, तुम्हारे कपड़े भी बिखरे हुए थे। समर सा बचाइए, छोड़ो छोड़ो, छोड़ दीजिए मुझे, सब चाहिए। समर साहब मुझे छोड़ के ना जाइए। इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना कि तेरी माफी मांगने की वजह से आज मैं यहाँ पे रुकी हुई हूँ। मैं यहाँ पे रुकी हूँ तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि डॉक्टर ने कहा है रसाल को कोई स्ट्रेस नहीं देना है। तेरी बहन वो है जिसने हमेशा मुझे समझा है, तब तब साथ दिया है जब तुम सब लोग मेरे अगेंस्ट थे, बस सिर्फ इसलिए कि उसे इस हाल में छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ, आज यहाँ पे हूँ। ठीक है, और हाँ डरती नहीं हूं तुझसे। और आप भी इस भ्रम में मत रहना कि आपने जो आज किया है उसके लिए मैंने आपको माफ किया है, पर हाँ धन्यवाद जरूर करना चाहूंगा
कि आज हमारे झगड़े के बीच में भी आपने मेरी लड्डू की लाज रख ली और अब भी उसके साथ खड़ी है। इसे कहते हैं कर्मा, आई बात समझ? धर्म पत्नी जी गिला है सब, दोबारा फिसल जाओगी, पोछा मार देना। जाहिल जानवर, इसे छोड़ना नहीं है कनक। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।